नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। MCU फेज 4 में काफी आगे आ चुका है। हमें मून नाइट में इजिप्शियन गॉड्स के बारे में पता चला। थॉर लव एंड थंडर में ओलंपियन गॉड्स के साथ साथ हमें गॉड द गॉड बुचर भी दिखा। इन गॉड्स से बहुत से सुपर हीरोज को पावर्स भी मिली है। कुछ तो गॉड्स के अवतार है, वही कुछ उनके इनकार्नेशंस भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जिनको उनकी पावर्स गॉड से मिली है। तो नंबर 10 पर है स्कारलेट स्कैरब। लायला एके स्कारलेट स्कैरब मार्क स्पेक्टर की वाइफ होती है, जो एमिट को रोकने के लिए गॉड ट्वेरेट का अवतार बन जाती है, जिसे हमने MCU के डिज्नी प्लस शो मून नाइट में देखा था, जहां उसे अपनी पावर्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में मिलती है। ट्वेरेट बेसिकली एनेट का हिस्सा है एंड जो गॉडेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन भी है। ट्वेरेट मरे हुए को उनके आफ्टर लाइफ की जर्नी में गाइड भी करती है, लेकिन उसकी क्या क्या पावर्स है या वो कैसे टाइप की गॉड है ये क्लियरली दिखाया नहीं गया है। बट वो डुएट जो इजिप्शियन सोल वर्ल्ड है, वहाँ पर सभी के हार्ट्स को जज करके उन्हें काइंड ऑफ हेल या हेवन में भेजती है। अब लायला ट्वेरेट का अवतार होने की वजह से उसके पास सुपरह्यूमन एबिलिटीज लाइक सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना है। इसके अलावा उसके पास फ्लाइट की पावर्स भी है। नेक्स्ट नंबर 9 पर है वंडर वुमन। दिलों की शहजादी वंडर वुमन एके डायना थेमिस्करा की क्वीन हिपोलिटा और गॉड ऑफ स्काई ज्यूस की बेटी है। अब वंडर वुमन एक गॉड की बेटी होने के कारण उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, हाई लेवल रिफ्लेक्सेस जैसी छोटी मोटी पावर्स तो है ही। इसी के साथ वो लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकती है, एज उसके पिता श्री ज्यूस खुद गॉड ऑफ लाइटनिंग है। इसके अलावा डायना के पास लासो ऑफ ट्रूथ भी है, जिससे वो लाइटनिंग पर राइड भी करती है। वंडर वुमन को अभी तक हमने DC के 3 मूवीज में देखा है, जहां इसने स्टेपन वुल्फ, डूम्सडे और गॉड ऑफ वॉर एरिस तक को हराया है। नेक्स्ट नंबर 8 पर है ड्रेवन। अब जिन लोगों ने कार्टून नेटवर्क पर टीन टाइटंस को देखा है, उन्हें इस कैरेक्टर के बारे में पता होगा। ड्रेवन CW पे आने वाली टाइटन सीरीज में दिखाई गई एक हीरो है, जो बेसिकली एक ह्यूमन और डीमन गॉड ट्राइगोन की बेटी है। ट्राइगोन इतना पावरफुल है कि इसमें लिटरली थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी की कलेक्टेड इविलनेस होती है, यानी कि ये कितना बड़ा शैतान है वो आप सोच ही सकते हो। अब रेवन टीन टाइटन्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके पास डार्क मैजिक का एक्सेस है, जस्ट लाइक वांडा का केओस मैजिक। एंड इसी के मदद से ही उसने अपने खुद के बाप यानी कि ट्राइगोन को भी रोक लिया था। रेवन कई सारे डार्क स्पेल्स भी जानती है और उसके मदद से वो लोगों को कंट्रोल भी कर सकती है। बट रेवन की यही डार्क मैजिक पावर्स उसकी कमजोरी भी है, एज रेवन के सर पे मौजूद क्रिस्टल में ट्राइगोन को कैद किया गया है, जिसके वजह से वो कई बार रेवन पे हावी हो जाता है, जिसके बाद रेवन इविल साइड में टर्न हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 7 पर है मून नाइट। मार्क स्पेक्टर एके मून नाइट बचपन से ही डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा था, लेकिन उसके एक मिशन के दौरान वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो खुद को मारने की कोशिश करता है। बट जैसे ही वो खुद को मारने जाता है, उसे खूनशु बचा लेता है और उसे अपना अवतार बना लेता है, जिसके बाद मार्क स्पेक्टर द मून नाइट बनता है। अब मून गॉड खूनशु बेसिकली ट्वेरेट की ही तरह एनेट का हिस्सा है। खूनशु की वजह से मार्क स्पेक्टर को सुपरह्यूमन एबिलिटीज मिलती है, जैसे कि सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर एंड काइंड ऑफ फ्लाइट पावर भी। मार्क एक ट्रेंड मर्सनरी होता है, जिसके वजह से वो वेपन्स भी बहुत ही अच्छी तरह से यूज करता है एंड वो उसमें मास्टर भी है। अब मून गॉड से पावर मिलने के कारण मून नाइट की पावर्स फुल मून पे अपने पीक लेवल पर होती है। नेक्स्ट नंबर 6 पर है गोस्ट राइडर। गोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स में स्पिरिट ऑफ वेंजेंस माना जाता है, जिसे अपनी पावर्स फॉलन आर्क एंजल यानी कि डीमन ज़ेरथोस से मिलती है। अब होता क्या है कि मेफिस्टो ने ज़ेरथोस को एक डील में ट्रैप कर लिया होता है, जिसे हराने के लिए वो जॉनी ब्लेज से मदद मांगता है एंड उसके बॉडी से बाउंड होकर गोस्ट राइडर की आइडेंटिटी फॉर्म करता है। अब इसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर तो है ही, लेकिन ये किसी भी इंसान को जिसने कुछ गलत किया हो उसे मारकर डायरेक्टली हेल में भेज सकता है। गोस्ट राइडर के पास हेल फायर का एक्सेस भी है, जिसके वजह से उसका पूरा रूप इंक्लूडिंग उसके वेपन्स फायर के फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं। गोस्ट राइडर की सबसे बड़ी पावर ये है कि वो किसी को भी उसका सबसे बड़ा डर दिखाकर उसे पूरी तरह तोड़ सकता है। गोस्ट राइडर को हमने सोनी पिक्चर्स की 2 मूवी में देखा है, साथ ही साथ मार्वल की एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी हमने गोस्ट राइडर का एक वर्जन देखा था। ऊपर से रायन गॉसलिंग इस कैरेक्टर को प्ले करने में इंटरेस्टेड है एंड इस पे केविन फाइग ने भी रिएक्ट किया, सो हो सकता है कि हमें MCU में गोस्ट राइडर जल्दी देखने मिले। नेक्स्ट
नंबर 5 पर है डॉक्टर फेट। अब डॉक्टर फेट को तुम डीसी का डॉक्टर स्ट्रेंज भी कह सकते हो, जिसके पास उसी की तरह कई सारी मैजिकल पावर्स हैं। अब डॉक्टर फेट की ओरिजिन क्या है वो तो हमें आने वाली ब्लैक एडम मूवी में पता ही लगेगी, लेकिन इसे अपनी सारी पावर्स उसके हेलमेट से मिलती है, जिसमे एक कॉस्मिक बींग नाबू द वाइज रिसाइड करता है। नाबू बेसिकली गॉड या कहो लॉर्ड ऑफ ऑर्डर है, जिसके पास नियरली लिमिटलेस मिस्टिकल पावर्स है, जिसके वजह से डॉक्टर फेट डीसी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन माना जाता है, जस्ट लाइक जॉन कॉन्स्टेंटीन। अब डॉक्टर फेट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इमोर्टेलिटी, इनवल्नरेबिलिटी, टेलीकाइनेसिस और लेविटेशन जैसी चीजें उसके नॉर्मल पावर्स में काउंट होती है। डॉक्टर फेट किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकता है, एज वेल एज वो एनर्जी के किसी भी सोर्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट भी कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 पर है माइटी थॉर। जेन फॉस्टर एके माइटी थॉर एकलौती ऐसी सुपर हीरो है जिसे खुद गॉड बनने का मौका मिला था। जेन फॉस्टर जब कैंसर के स्टेज 4 पर थी, तब उसे लगता है कि म्योलनिर उसे ठीक कर देगा, इसलिए वो न्यू एसगार्ड जाती है जहां टूटे हुए म्योलनिर को रखा गया था। अब क्योंकि थॉर ने म्योलनिर से जेन को प्रोटेक्ट करने का वादा लिया था, इसलिए म्योलनिर जेन को कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे थॉर बनाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसी पे हावी पड़ने लगता है और इवेंचुअली वो उसे मार देता है। अब जेन फॉस्टर इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि एट लास्ट उसे अपनी पावर्स थॉर से मिली है, जो कि एक एस्गार्डियन गॉड है। थॉर बेसिकली गॉड ऑफ थंडर है, जिसके वजह से वो लाइटनिंग के रिलेटेड कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वेदर को भी। एंड यही सेम पावर्स जेन के पास भी आती है जब वो माइटी थॉर बनती है। जेन को इसके अलावा सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी और ऐसे बहुत से पावर्स मिलती है जो थॉर के पास है। अब जेन फॉस्टर के अलावा सिर्फ कैप्टन अमेरिका ने ही थॉर के हैमर को उठाया था और उसके पावर्स को यूज किया था, क्योंकि जैसे ओडिन ने कहा था, जो भी म्योलनिर के वर्दी होगा उसे थॉर की पावर मिलेगी, जिस वजह से एंड गेम में कैप्टन अमेरिका भी थॉर के पावर्स को यूज कर पाता है। नेक्स्ट नंबर 3 पर है शज़ाम। बिली बैटसन एके शज़ाम एक अनाथ होता है जिसे विज़ार्ड शज़ाम अपनी पावर्स देने के लिए चूज करता है। शज़ाम बेसिकली विज़ार्ड शज़ाम का चूज किया गया लास्ट चैंपियन रहता है, एंड ये वही है जिसने ब्लैक एडम को भी उसकी पावर्स दी होती है, जिस वजह से शज़ाम और ब्लैक एडम के पावर्स काफी सिमिलर है। एक्चुअली शज़ाम के पास ग्रीक गॉड्स की पावर्स है, जिसके कारण बैरली ही ऐसी कोई सुपर पावर है जो शज़ाम के पास ना हो। शज़ाम के पास जिन 6 गॉड के पावर है उनमें है विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टैमिना ऑफ एटलास, पावर ऑफ ज्यूस, करेज ऑफ अकेलेस एंड स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। शज़ाम को हमने ऑलरेडी उसकी लास्ट मूवी शज़ाम 1 में देखा है, एंड आगे आने वाली शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स में भी देखेंगे, जिसका ट्रेलर रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो ये देखना बहुत ही ज्यादा ऑसम होगा। नेक्स्ट नंबर 2 पर है ब्लैक एडम। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे विजन शज़ाम ने बिली बैटसन को उसकी शज़ाम के पावर्स दी थी, वैसे ही उसने थेट एडम को भी शज़ाम के पावर्स दी थी, बट डिस्पाइट उन दोनों को सेम विज़र्ड से पावर्स मिली है और उनके पावर्स सिमिलर है, लेकिन उन दोनों का ही पावर सोर्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। असल में विज़र्ड शज़ाम ने ग्रीक गॉड्स की बजाय ब्लैक एडम को इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स दी थी, जिसके कारण ब्लैक एडम को स्टैमिना ऑफ शू, स्ट्रेंथ ऑफ हरशेप, पावर ऑफ अमोन, विजडम ऑफ जीहू थी, स्पीड ऑफ अनपू एंड करेज ऑफ मेंटू मिलता है। अब ब्लैक एडम शज़ाम की तरह कोई सुपर हीरो या गुड साइड पे नहीं है, वो इतना क्रूएल है कि वो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, इसलिए ब्लैक एडम को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से उसमें मैजिक स्पेल्स भी काम नहीं करते, जो चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बनाता है। अब शज़ाम की तरह इसका ह्यूमन फॉर्म भी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, एज ये 5000 सालों से ह्यूमन में नहीं बदला है, तो जैसे ही वो ह्यूमन में बदल जाएगा वो तुरंत ही मर जाएगा, क्योंकि कोई भी ह्यूमन इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। अब ब्लैक एडम को हम डीसी की अपकमिंग मूवी ब्लैक एडम में देखेंगे, जिसमें होंगे सबसे बैड स्टार द रॉक। फाइनली नंबर 1 पर है ब्लैक पैंथर। अब ये सब जानते हैं कि ब्लैक पैंथर को उसकी पावर्स हार्ट शेप हब से मिलती है, वो हार्ट शेप हब जिसमें पावर्स खुद पैंथर गॉडेस बास ने डाली थी, तो ये डायरेक्ट ना सही, लेकिन ब्लैक पैंथर को उसकी पावर्स एक गॉड से मिली है। अब वकांडा पर वाइब्रेनियम गिरने के बाद जब वहां के ट्राइब्स आपस में लड़ने लगे थे, तब एक वॉरियर शामन को पैंथर गॉडेस बास्ट का विजन आता है, जिसमें बास्ट उसे हार्टशेप हब कंज्यूम करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो पहला ब्लैक पैंथर बनता है, एंड ये मेंटल जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है।
अब हार्डशिप हब की वजह से ब्लैक पैंथर को सुपरह्यूमन एबिलिटीज लाइक सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस एंड स्टेमिना मिलता है। बस असल में एक इजिप्शियन गॉड है और ये कॉमिक्स के अकॉर्डिंग मून गॉड खुनशु की बहन है, जिसके पास बाकी इजिप्शियन गॉड्स की तरह पावर्स है, लेकिन उन्हें ब्लैक पैंथर मूवी के अलावा कहीं और दिखाया नहीं गया है। अब वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर से ये तो कंफर्म होता है कि ब्लैक पैंथर रिटर्न करेगा, लेकिन वो कौन है या कौन होगा इसकी किसी को आइडिया नहीं। बट मैंने ये द नेक्स्ट ब्लैक पैंथर की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे शुरी अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक पैंथर बन सकती है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, मैंने उसमें कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरी शेयर की है। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।